चले चले कहानी चले कहानी। रेडियो सिटी पर मैं हूं कहानी वाला रजत, लौट आया हूं लेकर चली कहानी सीजन टू। चली कहानी के पहले सीजन में हमने सुनी थी हिंदी के महान साहित्यकारों की कहानियां, ऐसी अमर कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारी आने वाली हर पीढ़ी अपने बचपन में उन कहानियों से जरूर रूबरू हो। इसी सोच के साथ रेडियो सिटी लाया चली कहानी और अब ये चली कहानी चलते चलते जा पहुंची है विदेश में, यानी भारत के बाहर जो महान साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने आत्मीयता, मानवता और हर उस भावना पर कहानी लिखी है जो एक इंसान को इंसान बनाती है, अपने वक्त की अहमियत समझाती है और एक दूसरे से जुड़े रहने का कारण बताती है। ऐसे ही कई और साहित्यकारों की कहानियां मैं इस सीजन में लेकर आऊंगा। तो अब चली कहानी जा पहुंची है रशिया। 29 जनवरी 1860 को जन्मे एंटोन चेखोव की कहानी लेकर। एंटोन चेखोव एक रशियन नाटक और लघु कहानी लेखक हैं। उन्हें संसार के महानतम लघु कथा लेखकों में गिना जाता है। वो पेशे से डॉक्टर थे। शुरुआत में सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए ही लिखा करते थे। उन्होंने अपनी कहानियों में मनुष्य के भावों और प्रवृत्तियों को बखूबी पेश किया। और आपको बता दूं कि चाहे हिंदुस्तान हो या फिर दुनिया की कोई भी जगह, जो मनुष्य के अंदर के भाव होते हैं जिनसे वो बना है, वो सब तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों को भी एंटोन चेखोव ने काफी तवज्जो दी। द स्टेप ए, द लेडी विद द डॉग जैसी कहानियां इन्हीं की देन है। 1904 में इनका देहांत हो गया लेकिन उनकी रचनाओं का जादू आज भी पाठकों के सर चढ़कर बोलता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो चेखोव की लिखी एक बहुत ही सुंदर कहानी पर ही आधारित है। आपको यह भी बता दूं कि चेखोव एक फिजिशियन थे पर लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे और अपने गुजारे के लिए कहानियां लिखा करते थे। आज की कहानी का नाम है किससे कहें। शाम के धुंधलके का वक्त था। सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही थी। बर्फबारी के कारण कोचवान याना किसी सफेद भूत सा नजर आने लगा था। एक बुजुर्ग आदमी था याना। आदमी की देह जितनी भी मुड़कर एक हो सकती है उतनी उसने मोड़ रखी थी। ठंड के मारे वो अपनी घोड़ा गाड़ी पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठा हुआ था। बर्फ से ढका हुआ उसका छोटा सा घोड़ा भी पूरी तरह से सफेद नजर आ रहा था। वो भी बिना हिले डुले अपनी जगह खड़ा था। उसका एक ही जगह खड़ा रहना, दुबली पतली सी उसकी काया और लकड़ी की तरह तनी हुई सीधी टांगे ऐसा आभास दिला रही थी जैसे वो कोई सस्ता सा मरियल घोड़ा हो। याना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से नहीं हिले थे। वो खाने के समय से पहले ही अपने बाड़े से निकल आए थे पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी। ओ गाड़ी वाले, टाउन चलोगे क्या? याना ने अचानक सुना। टाउन? हड़बड़ाहट में वो अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमी हुई बर्फ के बीच से वो एक सलेटी रंग के कोट में अफसर को देखता है जिसके सर पर उसकी टोपी चमक रही है। टाउन? अफसर ने फिर एक बार कहा। अरे सो रहे हो क्या? मुझे टाउन जाना है। चलने की तैयारी में याना घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। कोचवान घोड़े को पुकारते हुए उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है, फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और आखिर में अपनी अनिश्चयी शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। याना जैसे ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता है अंधेरे में आ जा रही भीड़ में से उसे सुनाई देता है। अबे क्या कर रहा है जानवर कहीं का? इसे कहां ले जा रहा है? अरे मूर्ख दाएं मोड़। तुम्हें गाड़ी तो चलाना नहीं आता?
दाहिनी तरफ रहो, पीछे वाले अफसर ने जरा गुस्से में कहा। फिर रुककर थोड़े संयत स्वर में वो कहता है, कितने बदमाश हैं सब के सब। और मजाक करने की कोशिश करते हुए वो आगे बोलता है, लगता है सबने कसम खा ली है कि या तो तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर दम तोड़ देना है। कोचवान याना मुड़कर अफसर की तरफ देखता है, उसके होठ जरा से हिलते हैं, शायद कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम, अफसर उससे पूछता है। याना जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है और कोशिश करके फटी हुई आवाज में कहता है, मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मरा वो? याना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह से मुड़कर बोलता है, क्या कहूं साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा पड़ा तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। अरे ओ शैतान की औलाद, ठीक से मोड़, अंधेरे में कोई चिल्लाया। अबे ओ बुड्ढे, तेरी अकल क्या घास चरने गई है, अपनी आंखों से काम क्यों नहीं लेता। अरे भाई तुम जरा तेज चलाओ तेज, वो अफसर भी बोला, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, जरा और तेज चलाओ। कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है, सीधा होकर बैठता है और रुखाई से अपना चाबुक हिलाता है। बीच बीच में वो कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है, लेकिन अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली है। साफ लग रहा है कि वो इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अफसर को टाउन पहुंचाकर याना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर उकड़ू होकर अपनी सीट पर दुबक जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं, तभी फुटपाथ पर पतले रबड़ के जूतों के घिसने की चू चू ची ची की आवाजें सुनाई देती हैं और साथ में 3 लड़के झगड़ते हुए वहां आ जाते हैं। उन लड़कों में से 2 लंबे दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा थोड़ा सा नाटा है और मोटा भी। ओ गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज तक चलोगे क्या, वो नाटा लड़का कर्कश स्वर में पूछता है। हम तुम्हें 20 टका देंगे, याना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज लगाता है, जो कि चलने का निर्देश है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 टका कोई ठीक भाड़ा नहीं है, पर अब उसे कोई एतराज नहीं, उसके लिए अब सब एक जैसा है। वो तीनों लड़के सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफी गाली गलौज और धक्कम धक्का करते हैं। बहुत सारी बहस और बदतमीजी के बाद आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस नाटे लड़के को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ठिकना है। ठीक है, आप तेज चलाओ, वो नाटा लड़का अपनी नाक से बोलता है। वो अपनी जगह ले लेता है, जिससे उसकी सांस याना की गर्दन पर पड़ती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या सारे रास्ते तुम इसी ढेंचू की रफ्तार से चलोगे। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, उनमें से एक लंबा लड़का बोला। कल रात अपने दोस्त के यहाँ मैंने पूरी 4 बोतल चढ़ा ली थी। भाई मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, तुम एक दुष्ट व्यक्ति की तरह झूठे हो। अरे भगवान कसम मैं सच कह रहा हूँ, 4 बोतल थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इसमें कि सुई की नोक में से ऊंट निकल सकता है। आप सब कितने मजाकिया हैं, याना अपना सर हल्का सा पीछे कर बोलता है। अरे भाड़ में जाओ तुम, जल्दी गाड़ी चलाओ। बुढ़ाऊ तुम हमें कब तक पहुंचाओगे, चलाने का ये कौन सा तरीका है, कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो, जरा जोर जोर से चाबुक चलाओ। अरे तुम आदमी हो या आदमी की दुम, याना यूं तो लोगों को देख रहा है पर धीरे धीरे अकेलेपन का एक तेज एहसास उसे डसता चला जा रहा है। वो ठिगना फिर से गालियां बकने लगता है। लंबे लड़कों ने किसी लड़की के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। याना उनकी ओर कई बार देखता है, वो किसी क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा के बाद मुड़कर बोलता है, साहब मेरा बेटा इसी हफ्ते गुजर गया। हम सबको एक दिन मरना है, उस ठिगने ने ठंडी सांस ली और खांसी के एक दौर के बाद अपने होठ पीछे किए और बोला, अरे जरा जल्दी चलाओ, खूब तेज। दोस्तों मैं इस धीमी रफ्तार पर चलने को तैयार नहीं हूं, आखिर इस तरह ये कब तक पहुंचाएगा हमें। अरे भाई इस घोड़े की गर्दन को थोड़ा गुदगुदा दो। सुन लिया बुड्ढे, ओ नर्क के कीड़े, मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तुम जैसों की खुशामत करते रहो तो, हमें पैदल ही चलना पड़ जाएगा। सुन रहे हो ना बुढ़ाऊ, तुम पर कुछ असर पड़ भी रहा है या नहीं।
याना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन रहा था पर महसूस नहीं कर रहा था। वो है करके फिर हंसता है। आप साहब लोग हैं, जवान हैं, भगवान आपका भला करे। बड़ाऊ, क्या तुम शादीशुदा हो? उस ठिगने लड़के ने पूछा। मैं? आप साहब लोग बड़े मजाकिया हैं। अब बस मेरी बीवी ही है, वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए ना मेरी बात? मौत मौत बहुत दूर नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूं। कैसी अजीब बात है ये। मौत गलत दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे पास आने की बजाय वो मेरे बेटे के पास चली गई। याना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय वो ठिगना एक लंबी सांस खींच कर कहता है, शुक्र है खुदा का, आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। और याना उन सबको अंधेरे फाटक के पास धीरे धीरे छोड़कर गायब हो जाते हुए देखता है। एक बार फिर वो खुद को बेहद अकेला महसूस करता है, सन्नाटे से घिरा हुआ। उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है, और इस बार वो और भी ताकत से उसके दिल को चीर देता है। बेहद बेचैन होकर वो सड़क की भीड़ को देखता है, मानो ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो उसकी बात सुन ले। पर भीड़ उसकी मुसीबत की तरफ ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। उसका दुख असीम है, अगर उसका दिल फट जाए और उसका दुख बाहर निकल आए तो वो मानो पूरी धरती को भर देगा। लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं दिखता। याना को टाट लादे कूली नजर आता है। वो उससे बात करने की सोचता है। वो कूली से पूछता है, वक्त क्या हुआ है भाई? 9 से ज्यादा बज चुके हैं, तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो? अब कोई फायदा नहीं है, लौट जाओ। याना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है। वो समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की तरफ देखना बेकार है। वो इस स्थिति को और नहीं सह सकता और अस्तबल के बारे में सोचता है। उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर दुल्की चाल से चलने लगता है। लगभग 1.5 घंटे बाद याना एक बहुत ही बड़े बस स्टॉप के पास बैठा हुआ है। स्टॉप के आसपास जमीन पर बहुत सारे लोग बेंच पर लेटे हुए खर्राटे ले रहे हैं। हवा दम घोटू गर्मी से भरी हुई है। याना सोए हुए लोगों की तरफ देखता है और खुद को खुजलाता है। उसे अफसोस होता है कि वो इतना जल्दी क्यों चला गया। आज तो मैं घोड़े के लिए चारा भी नहीं कमा पाया, वो सोचता है। एक युवा कोचवान एक कोने में थोड़ा उठकर बैठ जाता है और आधी नींद में बड़बड़ाता है। वो फिर पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? याना उससे पूछता है। ये भी कोई पूछने की बात? अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तुमने सुना क्या? इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है। याना अपने कहे का असर देखना चाहता है पर वो कुछ नहीं देख पाता। उस युवक ने अपना चेहरा छिपा लिया है और दोबारा गहरी नींद में चला गया। बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर अपना सर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इस बारे में वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से ही ये सब बताया जा सकता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने दम तोड़ दिया। दफन के वक्त की एक एक बात बतानी भी जरूरी है, और यह भी कि उसने कैसे अस्पताल जाकर बेटे के कपड़े लिए थे। उस समय उसकी बेटी नीसिया गांव में थी। उसके बारे में भी बताना जरूरी है। उसके पास बताने के लिए कितना कुछ है। सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस लेगा और उससे सहानुभूति जताएगा। औरतों से बात करना भी अच्छा है, हालांकि वो बेवकूफ होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रुला देने के लिए भावुकता भरे शब्द काफी हैं। कोई तो हो जो उसकी बात सुने। चलूं, जरा अपने घोड़े को देख लूं, याना सोचता है। सोने के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा, पर उसकी तो परवाह करनी है। वो अपना कोट पहनकर अस्तबल में घोड़े के पास जाता है। साथ ही वो अनाज, सूखी भूसी और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या तुम डटकर खा रहे हो? याना अपने घोड़े से पूछता है। वो घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है ठीक है, जमकर खाओ।
हालांकि हम आज अपना अनाज नहीं कमा सके, पर कोई बात नहीं, हम सूखी घास खा सकते हैं। हाँ ये सच है, मैं अब गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा बेटा चला सकता था, कितना शानदार कोचवान था मेरा बेटा, काश वो जिंदा होता। एक पल के लिए याना चुप हो जाता है, फिर अपनी बातें जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे प्यारे पुराने दोस्त, यही सच है, याना का बेटा यानिच अब नहीं रहा, वो हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया है। सोचो तो जरा, जैसे तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम उसकी माँ हो, और अचानक वो बछड़ा अपने बाद जीने के लिए तुम्हें छोड़कर चल बसे, कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें, है ना। उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है, उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता है। अपने दुख के बोझ में दबा हुआ याना उस छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुना देता है। ये थी आज की कहानी किससे कहें। ये कहानी आधारित है एंटोन चेखोव की लिखी एक कहानी पर। एंटोन चेखोव एक महान साहित्यकार हैं और उनकी कहानियों पर आधारित और कई कहानियां मैं आपको जरूर सुनाऊंगा चली कहानी के सीजन 2 में। मैं हूं कहानी वाला रजत, आप सुन रहे थे चली कहानी रेडियो सिटी पर। चली 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 कहानी चली कहानी।